फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके क्लास 12th की जो आज प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है 2020-2021 का प्री बोर्ड का एग्जाम आज ही हुआ है, तो ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। एंड आप देख सकते हैं ये मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ है आज, और सेक्शन फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस थे एंड ईजी था एग्जाम्स तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें टफ भी आए थे एंड लेंथी तो थोड़ा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पूरा इसका फोटो अच्छे से मिल जाएगी। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए लिंक, तो आप कमेंट में चेक करें, मैंने पिन कर रखी है इसकी लिंक, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी इसकी लिंक, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। टोटल इसमें पूरे क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन हैं आपके, और आराम से आपको टाइम दिया गया है। 80 मार्क्स का पेपर है तो 3 आवर्स में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए होते हैं क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा पेज लगते हैं कि ज़्यादा पेज हैं, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं। हर पेपर में ज़्यादातर 38 या 40 क्वेश्चंस ही होते हैं, तो इसमें 38 क्वेश्चंस हैं। 5th सेक्शन में लास्ट 38 क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड यहाँ पर इस पेज में 22, 23 इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम का हो उसमें आप इसको देख सकते हैं, कोई भी मीडियम वाला स्टूडेंट्स इसको देख सकता है। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शंस भी दे रखे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में, और यहाँ पर हमारा आ जाता है क्वेश्चन पार्ट बी, खंड 4th है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट होता है ये, एंड क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में और दे रखा था, और ये हमारा सेक्शन 5th आ जाता है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें जो है मैट्रिक्स मेथड यूज़ करके करनी थी सिस्टम इक्वेशन। आई होप कि आपको आपका सबका अच्छा गया होगा, और आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा 38। लास्ट क्वेश्चन में वही हमें करना था इसको सॉल्व करके, तो ये देख सकते हैं आप। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है। एंड अगर आपको पीडीएफ की लिंक चाहिए तो आप कमेंट में चेक करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।